तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अमेजिंग वाली आइसक्रीम, यानी लेयर्ड वेनिला आइसक्रीम। सुपर टेस्टी, सुपर क्रीमी लेयर्ड वेनिला आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिए सिंपल वाली फ्रेश क्रीम। यहाँ पर मैंने ली है 300 ml फ्रेश क्रीम, यानी एक कंटेनर, और थोड़ा सा और लिया है। आप अगर ज्यादा बनाना चाहें तो दो डिब्बे ले लीजिए। और इसको मैंने यहाँ पर एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अभी ये बिल्कुल चिल्ड क्रीम है, एकदम चिल्ड ही आपको लेनी है, सबसे जरूरी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, आप एक बोल में लीजिए इस तरह से आइस क्यूब्स, बर्फ डाल लीजिए, उसके ऊपर इसको लगाइए। तो यहाँ पर हमें क्रीम को करना होगा बढ़िया से व्हिप, जिससे बिल्कुल वॉल्यूमाइज्ड हो जाए, एकदम क्रीमी क्रीमी हमारी आइसक्रीम बने। तो पहले लो स्पीड पर करेंगे, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, परफेक्ट। शुगर पाउडर, चीनी लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, तो इस तरह से पाउडर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 5 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर, मिल्क पाउडर, सिंपल किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लीजिए। तो ये भी हम डाल देंगे लगभग 1/4 कप, 4 से 5 बड़े चम्मच। देख सकते हैं मेरे फेंटने से कितना बढ़िया इसका टेक्सचर होता चला जा रहा है। और इस स्टेज पर मैं फ्लेवर के लिए इसमें डाल रही हूँ सिंपल वनीला एसेंस, तो लगभग 1/2 छोटी चम्मच के करीब वनीला एसेंस डाल देंगे। लीजिए एकदम फ्लफी फ्लफी हमारी बढ़िया सी लेयर्ड वनीला आइसक्रीम के लिए क्रीम हो गई है तैयार। अब आप लीजिए इस तरह से 2 कंटेनर्स, इसमें हम क्रीम को हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 लेयर वाली बना रहे हैं ना, तो आधी इसमें डाल देती हूँ और आधी इस वाले में, क्योंकि ये हम बना रहे हैं 2-in-1 लेयर्ड वेनिला आइसक्रीम। तो एक तो व्हाइट लेयर रखेंगे, तो इसको एज इट इज मैं बंद कर देती हूँ, ऊपर से लगा देंगे इस तरह लेट, और दूसरी वाली को बनाएंगे दूसरे कलर का। तो ये मैं बना रही हूँ पिंक कलर में, तो मैंने लिया है रोज पिंक कलर। तो बस थोड़ा सा इस तरह से डालेंगे और 1 चम्मच की बैग से मिक्स कर देंगे पूरी आइसक्रीम में, तो वो वाला पिंकी पिंकी वाला कलर आ जाएगा। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया से पिंक कलर को इसमें मिक्स कर दिया। अब दोनों कंटेनर्स को हमें रखना होगा फ्रीजर में लगभग 2 घंटे के लिए, तो मैं 2 घंटे के लिए रख रही हूँ इसी तरह फ्रीजर में जमने के लिए। और ये लीजिए, मैंने दोनों आइसक्रीम बॉक्सेस को फ्रीजर से निकाल लिया है और ये सेमी फ्रीज हो चुके हैं। चलिए तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको लेयर्ड कैसे बनाना है। अब आप लीजिए इस तरह का कोई भी एयर टाइट कंटेनर या कोई भी बॉक्स ले लीजिए, जिसमें आप आइसक्रीम सेट कर सके, थोड़ा बड़ा सा। और इस तरह से बस हम ये पहले लेंगे वनीला व्हाइट वाली लेयर। ये देखिए क्या मस्त दिख रही है। अगर इसको हम लिक्विड कंसिस्टेंसी में डालते हैं तो दोनों लेयर मिक्स हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा सेमी फ्रीज करना जरूरी है। और इस तरह से हम पहले फर्स्ट लेयर पतली सी स्प्रेड कर लेंगे व्हाइट की, और अब हम लेंगे हमारी पिंक वनीला। वाओ सुपर, इसको भी इसी तरह से इसके ऊपर एक लेयर स्प्रेड करेंगे। और इसके ऊपर ये आ गई हमारी पिंक लेयर। अभी गर्मी बहुत है तो ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब वापस हम इसमें बची हुई व्हाइट वेनिला आइसक्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर वापस हम लगाएंगे पिंक लेयर। थोड़ी अनइवन भी रहे तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें इसमें इसी तरीके की डिजाइन चाहिए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं क्या मस्त दिख रही है। कोई भी स्पून का बैक साइड से या स्क्वायर स्टिक जो इस तरीके की होती है ना, आप कोई भी ले लीजिए और बस इस तरह से हल्का हल्का आप मिक्स कर दीजिए, और एक बार और इस तरह हल्का इसे ऊपर से स्मूथ कर दीजिए। इसको हमें कवर करना होगा, या तो आप किसी फॉइल पेपर से कर लीजिए, या किसी बटर पेपर से, या फिर इस तरीके के जो दूध के पैकेट आते हैं ना घर में, तो ये मैंने वॉश करके इस तरह कट कर लिया है, तो इससे हम इसको कवर कर देंगे। इससे इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे, एकदम परफेक्ट हमारी आइसक्रीम सेट होगी। जो इसका सरफेस है उसको इस तरह से प्रेस करते हुए हमें इसको लगाना है, परफेक्ट। और बस इस पर लगाएंगे लेड और आइसक्रीम को फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए। मैं रख देती हूँ इसको वापस से फ्रीजर में लगभग 6 घंटे के लिए। लगभग 5 से 6 घंटे हो गए हैं और मैंने फ्रीजर से आइसक्रीम को निकाल लिया है, तो चलिए चेक करते हैं। परफेक्ट, वाओ, आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही बढ़िया लेयर्ड वनीला आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है।